वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। बज रहे हैं मॉर्निंग के 10:40 और मैं निकला हूँ थोड़ा घूमने के लिए। एक्चुअली सामान लेना है, बहुत दिनों से इवनिंग का काम था जो अब और निपट लेता हूँ। आज संडे है तो निपटा लिया जाए, फिशर की छुट्टी है, सारे काम हो जाएगी, है ना। चलते बड़ा बात नया स्टॉल डाल दिया भाई, ये यादव स्वीट, यादव क्या बोलते वड़ा पाव। ये मेरे ख्याल से नहीं लाल कलर का होगा, पता है। जाएंगे नहीं जाएंगे भाई? जा रहा, यहाँ से तो ठीक दिख रहा। तेल का नहीं, लाल नहीं तो लाल ये है भाई, खाने का तो तेल नहीं। नहीं वो थोड़ा लाइट रहता है, ये थिकनेस आ रहा है। So मतलब अपन टीच यू हाउ टू फिल ऑयल इन योर बाइक नया गैरेज कौन सा गैरेज ना। ओके गाइस, बन चुके हम लोग सर्टिफाइड गैरेज वाले। किसी को जरूरत होगी तो हमको क्या बोलते हैं, प्रमोट करो। प्रमोट और कांटेक्ट, हाँ दोनों की जरूरत है। आज का काफ़ी ख़तरनाक ड्यूटी थी, मॉ इवनिंग तक कुछ काम था नहीं 8 बजे तक, उसके बाद से आपा हुआ। मॉ इवनिंग में गया समय पे, एज यूजुअल ड्यूटी किया, पेशेंट आए नहीं थे, ओपीडी चल रहा था। आईपीडी में तो वही एज यूजुअल जो पेशेंट थे ओल्ड वाले, उनके मेडिकेशन था। ये सब करने के बाद दैन फिर मैं सांस चैन की सांस लिया, उसके बाद फिर नीचे था। फिर एक पेशेंट आता है कि डॉक्टर ही डॉक्टर है, कहाँ का डॉक्टर तो है। दैन फिर स्टेचर निकालो बाहर, बोले ठीक है ओके, स्टेचर निकाल लिया बाहर। दैन फिर पेशेंट आ रहा है, बोला ओके ठीक है चलो, हम मैं और एक सिस्टर थी साथ में, हम दोनों ने फिर उसको स्टेचर बाहर निकाले। दैन फिर पेशेंट आया, पहले एम्बुलेंस आई, फिर एम्बुलेंस ओपन किए, पूरा पेशेंट फिल विथ ब्लड। दैन ऐसा हुआ और फिर दूसरा कोई था नहीं तो मैं चढ़ा। दैन एक सिस्टर थी, वो ग्लव्स लगाया मैंने, उन्होंने भी ग्लव्स लगाए, मैं उठाया थोड़ा सा, पेशेंट उठा एंड देन डेड ऑन द स्पॉट, इट वॉज डेड, ब्रॉड डेड। यही सीन था और कुछ नहीं। फिर अरे मतलब वो पूरा एस्पिरेट होके था। अच्छा उसको ये दे दिए होंगे क्या कहते हैं वाटर, तो उसने एस्पिरेट कर दिया एंड प्लस वो जो एक्सीडेंट हुआ उसका पूरा ब्लड लॉस हो गया, पूरा मीन्स पूरा ब्लड, नॉट इवन थोड़ा थोड़ा, पूरा। ये बस कहाँ जा रही यार, अरे यार गूगस वाली है क्या? गूगस होंगी तो नहीं बैठ सकते ना, ये तो इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक बस कहीं लेके जाएगी मुझे। क्या बस चलती है यार, मतलब अमेजिंग। सो ये सीन था, फिर उसको निकाले स्ट्रेचर से, फिर मतलब एम्बुलेंस के स्ट्रेचर से बाहर निकाले, और फिर उसको निकालने के बाद अपने हॉस्पिटल के स्ट्रेचर में शिफ्ट किए और फिर उसमें लेके गए हम अंदर इमरजेंसी वार्ड में। इमरजेंसी वार्ड में लेके गए, फिर देखे उसकी वाउंड्स को ओपन करके दिखा तो फिर पता चला कि हाँ उसके वाउंड्स में मतलब ऑल ब्लड लॉस है, नो चांस टू सेव हिम। ही वॉज अ अंकल, मीन्स ओल्ड एज सीनियर सिटीजन, मे बी एज बिटवीन 65 अबो 60, नॉट 65 आई कांट गेस, बट या इफ आई गेस इट विल बी अबो अराउंड 60+। और हादसा ये भी हुआ था कि वो कहीं जा रहे थे, आ रहे थे, एक्चुअली उनकी वाइफ भी डेथ हो गई आज, डेथ इट वाज आल्सो डेथ। सो मे बी वो शॉक है या क्या है, आई डोंट नो। सो आज के दिन में दोनों चले गए, बस ये था कहानी। फिर उसे हम फिर भावसराय चेक किए और देन ही डिक्लेयर्ड दैट योर पेशेंट इज नॉन नॉर्मल,
और फिर यही सब करते करते दैन थोड़ी देर बाद पेशेंट को शिफ्ट किए वापस से दूसरे एम्बुलेंस में, और फिर मैं निकल आया यहाँ। चलते हैं घर, एज यूजुअल बस तो है नहीं, वेट करना पड़ेगा।